आजकल विदेश घूमने का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इंडिया वाले ना तो शिमला जाते थे, ना ही कलकत्ता जाते थे, ना ही मुंबई, लेकिन अब वो हर जगह जाते हैं, वो विदेश भी जाते हैं। मतलब इंडिया में भी ट्रैवल बढ़ा है और विदेश में भी ट्रैवल बढ़ा है। तो दोस्तों अब ये तो है नहीं कि भाई हम सीधे अमेरिका घूमने चले जाएंगे या यूरोप घूमने चले जाएंगे, वहाँ के वीज़ा भी नहीं मिलते हैं आसानी से। तो इसलिए जो ट्रैवलर्स होते हैं उनकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है इस टाइम पर वो है थाईलैंड और वियतनाम, और यही सबसे अच्छी डेस्टिनेशन अभी घूमने के लिए और चीपेस्ट भी हैं, सस्ती भी हैं। कितना खर्च आता है, आज वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम अगर आप घूमना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा देखिएगा वीडियो। बहुत ही कम खर्च में आप वियतनाम घूम सकते हो। तो दोस्तों वियतनाम अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपका कितना खर्च होगा, तो सबसे पहला जो मोटा खर्च होता है वो फ्लाइट का होता है। कोई लोगों को ये लगता है कि भाई फ्लाइट ना बहुत महंगी होती हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं फ्लाइट बुक करने में। ऐसा कुछ नहीं है, जो वियतनाम की फ़्लाइट है इंडिया टू वियतनाम आने और जाने की, वो आपको 15,000 रुपये के लगभग मिल जाएगी अगर आप समय पर बुक कर लेते हैं। एकदम अगर आप बुक करते हैं भी अगले दिन फ्लाइट है तो महंगी पड़ेगी, लेकिन 15, 20, 25, 30 दिन पहले अगर आप बुक करते हैं तो काफ़ी सस्ती फ्लाइट मिल जाती है, लगभग 15,000 में हो जाती है। दूसरा खर्च होता है वीज़ा का। वीज़ा का कितना खर्चा भाई, केवल मात्र 2,000 रुपये में वीज़ा मिल जाता है आपको, 2,000 से 2,500 रुपये के बीच में। 2,000 अगर आप खुद अप्लाई करते हो, 2,500 अगर किसी और पर अप्लाई करवाते हो। तो ये भी बिल्कुल ईजी वीज़ा होता है, ऑनलाइन होता है, ई वीज़ा मिल जाता है, यानी 17,000 रुपये में आप वियतनाम पहुंच गए। अब जो तीसरा खर्च है वो है होटल का, यानी रहने का। कुछ लोग होते हैं जिनकी वहाँ पर जानकारी होती है, वो तो फ्री रह लेते हैं, लेकिन जिनकी जानकारी नहीं है वो या तो हॉस्टल में रुकेंगे या होटल में। अब भाई हॉस्टल बहुत सस्ते होते हैं, 300-400 रुपये में हॉस्टल मिल जाता है किसी भी कंट्री में आप जाते हो, जो अपने जैसी ऐसी एशियाई कंट्री हैं। और वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको अमेरिका की फीलिंग भी मिलेगी और एशिया की फीलिंग भी मिलेगी और यूरोप की फीलिंग भी मिलेगी। एक ऐसा देश जहाँ पर आपको पहाड़, जंगल, झरने, बीच देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको अच्छा कल्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको गाँव, खेत, खलिहान भी देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा आपको वहाँ पर नाइट लाइफ भी देखने को मिलेगी, ग्लैमर भी देखने को मिलेगा, नाच गाने, डांस, पब, बार, वो सब आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल की बात करें 300-400 रुपये, मान लीजिए आप 7 दिन रुकते हैं, लगभग 3,000 रुपये में आपका अच्छा हॉस्टल बुक हो गया, हो गए आपके टोटल 20,000 रुपये। उसके बाद 7 दिन आप वहाँ पर खाओ पियो भी, घूमो फिरोगे भी, तो ये लगा लो हर रोज़ का आपको 500 रुपये का खाने का खर्च आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। अगर आप कहीं महंगा खाते हो जाकर वो एक अलग बात है, लेकिन भाई नॉर्मल जो खाने का खर्च होता है वो लगभग 500 रुपये ही होता है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो जाता है। तो ये लगा लो आप 500 × 7 यानी 3,500 रुपये, ये हो गए यानी 23,500। और एक आपको सिम कार्ड लेना पड़ेगा वहाँ जाकर, 500 रुपये में आपको एक सिम कार्ड मिल जाएगा, 400-500 में एक महीने का अनलिमिटेड में, जैसे हमारे यहाँ पर मिलता है। उसके लिए आपको ना तो पासपोर्ट देने की ज़रूरत है, ना आइडेंटिटी, आपको बिना किसी उसके आपको एक ट्रैवल सिम मिल जाती है, यानी 24,000 रुपये में आपका ये सब हो गया। और भाई 1,500 रुपये आदमी बसों में इधर उधर जाने में लगाता है और थोड़ा बहुत टिकट विकेट खरीदता। तो ये लगा लें कि भाई 25,000 रुपये में आप अच्छा ट्रैवल कर सकते हो, एक हफ्ता वहाँ रुक सकते हो। एक हफ्ता कोई रुकता नहीं है, 3-4 दिन ही रुकते हैं, लेकिन अगर एक हफ्ता भी रुकते हो तो आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हो, ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हो, तो भाई बेस्ट डेस्टिनेशन है। सिर्फ 25,000 रुपये में आप वहाँ घूम के आ सकते हो। और घूमिए यार, जीवन में एक बार ज़रूर घूमिए। और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ, किस देश में कितना खर्च आता है और वीज़ा कैसे मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। क्योंकि अगली वीडियोज़ में हम बताएंगे आपको वियतनाम से थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस ये कैसे आ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 40,000 रुपये में 3 देश कैसे घूम सकते हैं, 5 से 6,000 रुपये में आप किसी और देश कैसे जा सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वियतनाम जाना है तो कोई महंगा नहीं है, आराम से जाइए और घूम के आइए।